औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं 2001 में शहर का चेयरमैन बना। 2006 में मैं भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुआ। दो दफ़ा मैं इस अपने शहर का खादिम बना हूँ। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि यार, जिन लोगों ने मुझे बनाया है, मैं उनकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अपनी सोच के मुताबिक मैंने ये फैसला किया कि हमें एक ऐसा अस्पताल बनाना चाहिए जिसमें हम गरीबों की खिदमत कर सकें। वो लोग जो के ना तो दूर दराज जा सकते हैं, मसलन मंडी बहाद्दीन जाएं, फालिया जाएं, या वो गुजरात जाएं, खरिया जाएं, या गुजरात जाएं, क्योंकि उनको जाने के लिए बार बर्दारी का ख़र्चा, गाड़ी का ख़र्चा, दीगर लवाजमात। तो उसके लिए मैंने सोचा कि हमें इधर मंडी बहाद्दीन, फालिया, पाड़ियाँ वाली और मुगवाल के सेंटर में हम हैं। तो हमने डिंगा को चूज़ किया कि डिंगा बाईपास पे हम एक अस्पताल बनाएं। तो हमने इस 12 कनाल जगह पे अस्पताल शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पे 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 2014 तक हमने इसको तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। अब जुलाई 2014 से हमने इसको शुरू किया है। अभी तक हम, ये सीओ साहब मेरे साथ बैठे हैं, उनके पास पूरा हिसाब किताब है। अभी तक हम इस काबिल नहीं हैं कि हम 1 लाख रुपया भी बचत कर सकें। जितने पैसे आ रहे हैं वो खर्चे पे जा रहे हैं, और अस्पताल को हम बेहतर से बेहतर करने कर रहे हैं। हम अपने पास से तकरीबन 2 लाख तक दवाइयां देते हैं फ्री। सादक एक्सचेंज कंपनी के, जो कि हमारी अपनी है, वही हमें पैसे देते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे पैसे ले लेते हैं और वही हम खर्चा भी करते हैं। तकरीबन 14 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 11 लाख, तकरीबन यहाँ तक हमारा तनख्वाहें हैं। वो हर महीने हम तनख्वाह बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। लोगों की खिदमत करना जज्बा हो तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किलात भी पैदा नहीं होती। अल्लाह ताला मदद भी करता है। तो मेरा मकसद ना सियासत है, ना कोई दूसरी बात है। मेरे अंदर सिर्फ एक ही बात है कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि बेटा, जो खिदमत में है बात, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो मेरे अंदर, यानी होता है ना कि बंदा चेयरमैन बन जाए, मेंबर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन मेरे अंदर ये ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी है। पैसे की मुझे कतन कोई परवाह नहीं है, ना मेरे अंदर ये है कि मुझे पैसा मिले। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मिले तो गरीब आदमी की दुआ मिले। हमारा दिन और रात 24 घंटे अस्पताल चलता है। 300 रुपया जो बंदा भी आता है, 300 रुपया फीस लेते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि मैं गरीब हूँ, हम उससे नहीं लेते पैसे। मैं अपने पास से उसे पैसे दे देता हूँ कि ये लो, 300 रुपया जाकर देकर डॉक्टर को चेक कराओ।